हे गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टीथ के बारे में, ह्यूमन टीथ के बारे में। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 16 है ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम उसी का जो हमने जैसे जो चैप्टर शुरू करा था, तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि इतनी हमने दिनों बाद वीडियो डाली, 20 से 22 दिन के बाद हमने डाली वीडियो। एक्चुअली में मैं कहीं दिल्ली के बाहर गया था घूमने के लिए, और वहाँ से जब मैं आया तो मेरा कुछ काम फंस गया, जिससे मैं वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और अब जो है मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको रेगुलर वीडियो दे पाऊँ। सो चलिए तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन टीथ की, चैप्टर नंबर 16 की, राइट। सो गाइस, ह्यूमन टीथ, आप जानते हैं ह्यूमन टीथ क्या है? ये जो आप देखते हो, जिससे आप जिससे खाना चबाते हो ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? टीथ, जो आपके माउथ में दिखते ना व्हाइट व्हाइट से, ये क्या होते हैं? आपके टीथ। सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब जरा टीथ को हम बायोलॉजिकल पढ़ते हैं। देखिए टीथ, सवाल आता है टीथ होता क्या है, बना किससे होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो पहले हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन बात करेंगे फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ टीथ की। सो टीथ के स्ट्रक्चर में हम तीन पार्ट देखते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। सो क्राउन, नेक एंड रूट, ये तीन इसके हम बॉडी के पार्ट बनाते हैं। क्राउन पार्ट क्या होता है? क्राउन पार्ट वो होता है जो एक्सपोज होता है, जो टीथ का पार्ट बाहर निकला होता है, जो आपको दिखता है वो पूरा पार्ट क्या, तो वो पूरा पार्ट क्राउन पार्ट होता है। और जो पार्ट, जो टीथ का पार्ट मसूड़ों में फंसा होता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आप गम्स कहते हो, सो लेट सपोज दिस इज योर गम, जिसे मसूड़े कहते हो। सो ये जो पोर्शन है टीथ का, ये पोर्शन जो टीथ का जो एक्सपोज हो सकता था, लेकिन गम्स ने इनको चारों तरफ से क्या कर लिया, कवर कर लिया। सो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि नेक वो पार्ट होता है जो एक्सपोज होकर भी एक्सपोज नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ कौन होते हैं? गम्स होते हैं। देन रूट, टीथ का वो पार्ट जो आपके जॉ के अंदर एम्बेडेड होते हैं, उस टी के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रूट। देखिए रूट ना एम्बेडेड होता है, जैसे आपने कभी मिट्टी में उंगली जैसे डाली हो, आपने उंगली जैसे अंदर करी है, तो जो उंगली आपके अंदर गई है वो पार्ट पूरा क्या, वो पूरा का पूरा पार्ट रूट होता है। आपके जो टीथ है वो आपकी दो हड्डियों से लगे होते हैं, अपर वाली जो बोन, इसको बोलते हैं मैक्सिला, एंड लोअर जॉ इज नोन एज मैंडिबल। तो लोअर जॉ किस बोन में, लोअर जॉ किस बोन को बोल रहे हैं? मैंडिबल को बोल रहे हैं। सो आपके मैंडिबल और मैक्सिला, अगर आपके मैंडिबल और मैक्सिला को देखा जाए, लेट सपोज दिस इज योर मैंडिबल, सो आपके मैंडिबल में ऐसे गड्ढे होते हैं, क्या होते हैं? गड्ढे, जिनको हम बोलते हैं क्या? जॉ सॉकेट्स, या एल्वियोलर प्रोसेस जिसे हम क्या करते हैं। सो जॉ सॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर टीथ क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, क्योंकि हमारे टीथ जॉ के अंदर एम्बेडेड होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव थीकोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन। थीकोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन का मतलब, जब दांत मसूड़ों या हम बोलेंगे जॉ के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं? थीकोडोन टाइप डेंटिशन। तो हमारे थीकोडोन टाइप है, हमारे टीथ एम्बेडेड हो रखे हैं। देन बात करते हैं हम जरा अपने टीथ के स्ट्रक्चर की। सो टीथ के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि ये जो सबसे ऊपर की लेयर आपको दिखे, इसको क्या बोलते हैं? इनेमल। देखो टीथ में ना आपको दो लेयर याद रखती है, कौन सी? इनेमल, देन डेंटाई, डेंटाइन। कौन कौन सी? आउटर मोस्ट इनेमल एंड देन डेंटाइन। जो इनेमल वाला पार्ट है, हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्ट कोई है तो वो है आपका इनेमल। इनेमल से ज्यादा हार्ड पार्ट आपकी बॉडी में कोई नहीं है। 95% ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना होता है, जिसमें फॉस्फोरस कूट कूट के भरा होता है, एंड ड्यू टू फॉस्फोरस एंड कैल्शियम इनेमल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इनेमल को डिग्रेड करना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल वाला काम है। ये डिग्रेड कब होता है? जब बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और पीएच वगैरह जब फ्लक्चुएट करते हैं, तो ऐसे केस में इनेमल जो डिग्रेड हो जाता है। एंड देन अगर इनेमल डिग्रेड हो गया, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे एक इंसान है, उसके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो हमारे टीथ की जो बुलेट प्रूफ जैकेट, उसका नाम हो गया इनेमल। अगर इनेमल खराब हो जाता है तो आपके दांत खराब होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। अगर आपका इनेमल सेफ है तो आपके दांत जो तकरीबन बचे हुए हैं। देखिए इनेमल जो आपकी लेयर है, इनेमल को बनाने के लिए हमारे टीथ में पाए जाते हैं एमीलोब्लास्ट सेल्स। क्या पाए जाते हैं? एमीलोब्लास्ट सेल्स। एमीलोब्लास्ट सेल्स वो सेल्स जो इनेमल बनाते हैं, एंड एमीलोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये एक्टोडर्मल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर एक्टोडर्मल। देन बात करेंगे डेंटाइन की। डेंटाइन किससे? डेंटाइन बनी हुई टीथ एक्टोडर्मल प्लस मीजोडर्मल दोनों का ओरिजिन हुआ। सो दैट्स व्हाई टीथ इज एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो आइए दोबारा देखते हैं क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा टीथ के तीन पार्ट, क्राउन, नेक एंड बेस और रूट। तो क्राउन पार्ट वो जो एक्सपोज पार्ट होता है, और नेक पार्ट वो जिसमें चारों तरफ जो गम्स है वो पूरे सराउंड होते हैं, और रूट पार्ट वो जो आपके जॉ के अंदर एम्बेडेड होता है।
देन हम बात कर रहे थे कि रूट में कौन कौन सी लेयर पहले आती है। इनेमल जो आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट है, देन आता है डेंटाइन। हमने देखा कि आपका इनेमल बनता है विद द हेल्प ऑफ एमिलोब्लास्ट सेल एंड डेंटाइन इज फॉर्म्ड बाय ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स। हमने देखा कि इसको एक्टोडर्मल इन ओरिजिन कहा करते हैं क्योंकि ये बनता है एमिलोब्लास्ट जो कि है एक्टोडर्मल और बनता है ओडोन्टोब्लास्ट जो कि है मेसोडर्मल। अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको एक कैविटी दिख रही होगी एंड दिस कैविटी, मैं सॉरी रफ करता हूँ, टीथ में कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पल्प कैविटी एंड दिस पल्प कैविटी इज सराउंड बाय लेयर और सेल्स नोन एज ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स। अब आप जरा मैं काम करता हूँ, इसको जरा मैं एक साइड यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, इसका एक रफ डायग्राम ताकि आपको हर चीज में ठीक से क्लियर करा पाऊँ। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे नाम रफ कर रहा हूँ ओडोन्टोब्लास्ट इनेमल, खैर आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, देखिए जो टीथ होती है ना, टीथ में आप देखोगे कैविटी होती है, कैविटी नॉन एस पल्प कैविटी, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी सबसे मेन कैविटी है। पल्प कैविटी के अंदर हम क्या देखते हैं कि नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सब दी जाती है इसे। कैसे दी जाती है, यहाँ पर आपको टीथ में बिल्कुल बेस पे ऐसे एक ऐसे ओपनिंग मिलती है एंड दिस ओपनिंग इज नॉन एज एपिकल फोरामेन। दिस इज एपिकल फोरामेन एंड एपिकल फोरामेन यहाँ से निकलती है रूट केनाल। क्या निकलती है, रूट केनाल। और इस रूट केनाल के जरिए क्या होता है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सब इसी के थ्रू कहाँ जाती है, पल्प कैविटी में। यानी कि पल्प कैविटी ये वो जगह है जहाँ पे नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई हर चीज़ आपके टीथ को दी जा रही है। इसीलिए इनेमल के डिस्ट्रॉय होने के बाद आपका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट एक्सपोज होता है, उसमें जब हवा भी लगेगी ना तब भी आपका दिमाग झन्ना जाएगा। इसीलिए इनेमल को भैया, इनेमल जब तक आपके टीथ पे है वो तब तक सेफ है। और इनेमल एक बार बनता है, बार बार इनेमल फॉर्मेशन नहीं होती है। इनेमल एक बार आपका बन गया मतलब बन गया, दोबारा इनेमल नहीं बनने वाला। सो गाइज इस चीज़ को याद रखिएगा। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो ये टीथ का जो रूट पोर्शन है, लाइक मानो ये वाला, दिस इज रूट पोर्शन ऑफ टीथ, ये टीथ का रूट पोर्शन जो है ना वो आपके जॉ सॉकेट्स में लगे होते हैं, मतलब उससे अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्पेस्ट फाइबर। और यहाँ पर बहुत ऐसे क्या होते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट होते हैं। सो पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड शार्पेस्ट फाइबर, इन दो की हेल्प से जो टीथ होता है, टीथ का जो रूट होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली आपके जो जॉ में जो आपके कैविटी है उनसे अटैच होता है। इतने स्ट्रांगली अटैच होता है कि अगर आप बहुत ही कम फोर्स से निकालना चाहें तो वो निकलेगा नहीं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तब जाके वो निकल पाता है। इतना आसान नहीं कि दांत निकाला और ऐसे हमने मतलब दांत निकाला, ऐसा नहीं है। आपने जब देखा होगा जब डेंटिस्ट निकालते हैं क्लास वगैरह लेके कितनी मेहनत से निकालते हैं, इसको हम समझ सकते हो कितने ज्यादा कितने स्ट्रांगली हमारा टीथ कनेक्ट है। और याद देखिएगा, टीथ है आपके पास तो हर खाने का मजा ले सकते हैं, टीथ नहीं है तो आपके किसी खाने का कोई मजा नहीं है। इसीलिए अपने दांतों का दोस्तों पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि दांत नहीं तो फिर जिंदगी में स्वाद ही नहीं है आपके, राइट। सो यहां पे हमने देखा ये कौन कौन से पार्ट हैं, हमने समझा कौन कौन से लिगामेंट के द्वारा इनको स्टेबिलिटी मिल रही है, कैसे ये मतलब इनको इसको कनेक्शन मिलता है हमारे बॉडी के इन जॉ से, राइट। तो ये था आपके टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। एक चीज और याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि जो आपके एमिलोब्लास्ट सेल से ये आते रहते ऐसा नहीं है। एक टाइम आती है, एक एज आती है जिस एज के बाद में ये सारे सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय में कह लो या करो डीजनरेट हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है आपके पास ऐसे सेल्स नहीं रहते। इसलिए एक टाइम बाद, एक एज बाद जब आपके टीथ में डिस्ट्रक्शन होता है, टीथ डैमेज होते हैं, तो आपके टीथ रिपेयर नहीं हो सकते। लेकिन उसी लाइक बचपन, अगर बचपन में ऐसा हो जाए आपके टीथ डैमेज हो जाए तो वो टीथ दोबारा रिपेयर कर सकते हैं, इनेमल फॉर्मेशन हो सकती है। सो छोटी उम्र के अंदर दांतों का दोबारा से आ जाना, उनका रिपेयर हो जाना ये कॉमन से होता है, लेकिन बड़ी एज के अंदर ऐसा नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा। सो अब जरा हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ टाइप ऑफ टीथ। ओके, सो गाइस बात अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ की, टीथ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो देखिए यहाँ पे मेजरली टीथ जो है वो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से, इंसाइजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलार एंड फोर्थ इज मोलार।
कई लोग मुलार पढ़ते हैं, कई लोग मोलार पढ़ते हैं, बट मोलार जो मैंने ज़्यादा सुना है डॉक्टर के मुंह से। सो ये चार टाइप के टीथ हमारे पास हुआ करते हैं। इनकी जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो दैट्स वाई हम जो भी पढ़ेंगे वो सब ह्यूमन के एस्पेक्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सो ये सारे जो ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं टीथ। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, नाइफ की तरह। सो शार्प होते हैं, पतले होते हैं। सो इनका काम जो होता है वह जानते हो, वो काम होता है कटिंग वगैरह में। जैसे चाकू से आप सब्जी काटते हो ना, तो वो वाला काटने काम कौन करते हैं? ये आपके इंसाइजर करते हैं। देन कैनाइन ऐसे कॉनिकल नुकीले से होते हैं, काफ़ी नुकीले से होते हैं। सो इनका काम जो होता है पारिसिंग वगैरह, मतलब चीज़ों को चीरना फाड़ना, वो सब काम कौन करते हैं? आपके कैनाइन कराया करते हैं। देन प्री मोलार एंड मोलार, एक्चुअली में ये कुछ कुछ ऐसे होते हैं, इनका सरफेस एयर काफ़ी ब्रॉड होता है, मतलब ये सरफेस प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए? फॉर चुइंग एंड क्रशिंग, चुइंग एंड क्रशिंग इसके लिए ये सरफेस देते हैं। सो प्री मोलार एंड मोलार दोनों का सेम काम है, दोनों के अंदर एक ही चीज़ होती है, क्या? चीज़ों को जो भी खाना खाते हैं उसको चबाना, उसको अच्छे से पीसना, ये सारा काम कौन करते हैं? प्री मोलार एंड मोलार। देखिए आपने देखा होगा, आप अगर कभी टीथ को ऑब्जर्व करा हो, सामने आपको मिलेंगे क्या? इंसाइजर मिलेंगे, देन आपको यहाँ पे मिलेंगे नुकीले से दांत, जिसको आप देख के वैम्पायर वाले फील होते हो कि हाँ मैं वैम्पायर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन सी चीज़ है, कैनाइन सबके पास मिलते हैं। लेकिन कैनाइन डेवलप सिर्फ उसमें होंगे जो कार्निवोर होंगे, जो कार्निवोर होते हैं यानी कि जो मांसाहारी होते हैं उनके अंदर देखा गया कि कैनाइन काफ़ी बड़ा होता है, और जो हर्बीवोर होते हैं यानी जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर देखा गया कैनाइन बहुत छोटा होता है। क्योंकि देखो जो कार्निवोर है उनका काम क्या है? उनका काम है कि जानवरों को पकड़ के उनको मार के उनको खाना। तो भैया कैनाइन जो होता है ना, कैनाइन जो किसी को पकड़ने के लिए और उसको चीरने के लिए काफ़ी बहुत अच्छा काम करता है। सो जो कार्निवोर एनिमल है उनको यूज़ ही किसका होता है? कैनाइन का होता है। सो दैट्स व्हाई कार्निवोर के अंदर ये हाईली डेवलप होता है, और हमारे जैसे यानी कि ह्यूमन जैसे केस में क्या होता है? ये लेस डेवलप होता है। सो कैनाइन होता सबके पास है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो सब जो हर किसी में अलग अलग हुआ करती है। हर किसी मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्पीशीज टू स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। लॉयन की अलग होगी, ह्यूमंस की अलग होगी, काओ की अलग होगी। खैर इनकी तो बात करेंगे, इनका केस ही अलग है, राइट? तो यहाँ पर ये क्या है? चार तरह के दांत है, क्योंकि हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। सो वी आर शोइंग हेट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। हेट्रोडोंट मतलब क्या? डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, क्योंकि ह्यूमंस के पास डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ है। सो दैट्स वाई हम क्या शो कर रहे हैं? हेट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन, ठीक है। एक आता है होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब ये होता है कि सारे दांत एक जैसे होने चाहिए। जब सारे दांत एक जैसे होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? होमोडोंट टाइप कंडीशन। और हेट्रोडोंट में क्या होता है? सारे डिफरेंट, सारे नहीं बोलूंगा बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टीथ आते हैं। कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलार, ठीक। तो इसको लिखते हैं आई सी प्रीमोलार एंड मोलार, ठीक है। अब बताता हूँ मैं डेंटल फॉर्मूला, हमारे डेंटल फॉर्मूला बेकि ह्यूमन के टीथ का फॉर्मूला क्या है, बच्चे के टीथ का फॉर्मूला क्या है। अब आइए ज़रा बात करते हैं ह्यूमन टीथ के फॉर्मूले की। सो गाइस अब बात करते हैं ज़रा ह्यूमन में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल फॉर्मूला हुआ करते हैं। देखिए एज के साथ साथ डेंटल फॉर्मूला हमारा पूरा बदलता है। अब ज़रा इसको हम बनाते कैसे डेंटल फॉर्मूला, पहले ये चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सामने ऐसे मुंह फाड़ के आपके सामने खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पर क्या होंगे? इंसाइजर होंगे, देन कैनाइन, देन प्रीमोलार, देन मोलार, ठीक है। सेम यहाँ पर होगा, बना लेना, ठीक है। वो तो मैं खैर अब आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ एक बारी। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते डेंटल फॉर्मूला? हम पहले क्या करते हैं, इसको दो पार्ट डिवाइड करते हैं, यानी कि दिखाएंगे एक लाइन, यानी कि ऊपर अपर जॉ के लिए, नीचे लोअर जॉ के लिए। अब अपर जॉ में क्या करते हैं, इसको हम हाफ कर देते हैं, क्योंकि देखो सिमेट्री है, जैसा इस तरफ ऐसे इस तरफ। ऐसा तो है नहीं कि आप में ऐसा होता है कि इस तरफ दिखा दिए 10 है, इस तरफ 2 है, ऐसा तो नहीं होता ना। सिमेट्री होती है आपके टीथ के अंदर, सिमेट्री मीन्स दोनों साइड सेम सेम होते, इक्वल नंबर होते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने से आप क्या देखते हो, बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करना, अच्छा बीच में से काटना किसी को नहीं, पकड़ के लिए बीच से काट के रख दो, ऐसा काटना किसी को नहीं है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन आप देखोगे यहाँ पर आपको दो इंसाइजर मिलेंगे, एक कैनाइन मिलेगा, दो प्रीमोलार मिलेगा एंड 3 मोलार मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एडल्ट में लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अबव 20 और 30, जो भी आप मतलब एडल्ट में हम बात करते हैं 20 के ऊपर से लेकर जितने भी आपके बच्चे आते हैं, बच्चे नहीं बड़े होते फिर तो यार। सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो एडल्ट होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3
2123, ये देखा डिवाइड नहीं है, इसे डिवाइड मत सोच लेना, ये डिवाइड इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर अपर जो, इस लाइन के नीचे लोअर जो, इस लाइन का मतलब ये है कि डिवीजन करने बैठ जाओ। अच्छा अब ऐसा तो है नहीं बंदा सिर्फ आधा लेके घूमेगा, होगा तो पूरा सेट ही होगा, इसका मतलब जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, जैसा एक तरफ वैसे उस तरफ भी तो होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ टीथ कितने आ रहे हैं, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, तो नीचे भी 8 ही होंगे, 8 कितने हो गए 16, अब 16 एक तरफ है तो दूसरी तरफ कितने होंगे 16, अब लगाओ अपने आईआईटी लेवल की मैथ और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर आप सब जानते होंगे कितना आता है, 32, कितना 32, सो एडल्ट ह्यूमन के पास कितने होते दांत 32, ठीक है, जिसमें से लास्ट के जो मोलार होते हैं वो सब वेस्ट होते हैं, किसी काम के नहीं होते, लास्ट का मोलार कौन सा हो गया, तो सबसे आखिरी में मोलार, सबसे आखिरी मोलार कौन सा हो गया, लाइक मान लो ये रहा सबसे आखिरी का मोलार, यहाँ का ये हो गया, यहाँ का ये, यहाँ का, यानी कि देखो हमारे पास टोटल लास्ट के मोलार कितने हुए, एक मोलार यहाँ आएगा सबसे आखिरी वाला, तीसरे वाला, 2, 1, 2, 3 मतलब क्या, ये दो है इंसाइजर, ये है केनाइन, ये है प्रीमोलार और ये है मोलार, मतलब इंसाइजर दो होंगे, केनाइन एक होगा, प्रीमोलार दो होंगे, मोलार तीन होंगे, सेम नीचे भी ऐसा आएगा, तो यहाँ पे हम अगर आप गलती से भी 2, 3, 1, 2 मत कर देना, यहाँ पे 2, 1, 2, 3 एक ऑर्डर है, हमेशा जब भी हम टीथ को देखते हैं तो ICPMM देखते हैं, इसी ऑर्डर में आपको लिखना होता है हमेशा। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपके इस साइड में 16, तो 16, 32 हो गए, 32 में से लास्ट मोलार वाले हमारे किसी काम के नहीं है, वेस्टिजियल है पूरे, हो जिसको आप हिंदी में पढ़ते हो अक्कलदाड़, सुना होगा अक्कलदाड़, घर में आपने बहुत कॉमन सी चीज़ है, कहते हैं उसके आने से अक्ल बढ़ जाती है, पता नहीं आती ना आती बट हाँ होता होगा, तो यहाँ पर लास्ट मोलार क्या है, वेस्टफुल। अब 1, 2, 3, 4 यानी कि 32 में से 4 गए, लगाओ आईटी लेवल की मैथ और कितना आंसर आएगा 28, यानी कि 28 दांत आपके काम के हैं अगर है तो, और 4 तो खैर वैसे किसी काम के हैं ही नहीं। सो गाइस ये हुआ आपके एडल्ट के केस में, अब देखते हैं 17 साल की एज में क्या, देखो 17 साल की एज में क्या होता है, इंसाइजर तो उसमें होंगे, केनाइन होगा लेकिन उस पर प्री मोलार दो तो होंगे लेकिन मोलार तीन या भी कितने होंगे 2, यानी कि 17 की एज में जो हमारे दांत होते हैं वही हमारे सारे काम के होते हैं, उसके बाद जो भी दांत आते हैं वो सब कैसे आते हैं, शो ऑफ, किसी काम की नहीं सिवाय दर्द देने के। तो यहाँ पे लगाओ मैथ, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 5, 7, 7 नीचे 7 कितना आ गया 14, 14 दोनी कितना आ गया अगेन 28, देखो 32 यहाँ है 28 यहाँ है, लेकिन ये 32 में किसको भाई, भाई कौन अपना खाना बिल्कुल पीछे तक लेके जाता है, गले तक कोई लेके नहीं जाता, सब यहीं यहीं चबाया करते हैं। सो अल्टीमेटली ये है कि 32 है लेकिन काम कितने आ रहे हैं, वही 28 ही आ रहे हैं। सो 17 साल की एज में क्या होता है, लास्ट के जो मोलार है वो नहीं आए होते। बच्चों में देखें तो उनके अंदर भैया प्री मोलार तो होता ही नहीं है, उनके सिर्फ क्या होते हैं मोलार होते हैं लास्ट वाले 2, ठीक। सो उनका डेंटल फॉर्मूला 2102, 2102, यहाँ पे 0 मतलब है प्री मोलार वाला गायब है, 0। तो इसका कितना 2, 1, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 2, 20, यानी कि बच्चों पे 20, ठीक है। सो बच्चों पे कितने दांत 20, और 17 साल की एज में कितने हो जाएंगे, 17 से 20 जो भी है 28 हो जाएंगे। एंड देंस के बाद तो फिर आप जानते हो ये मोलार आने धीरे धीरे शुरू होते हैं, और जब आते हैं बड़ा पेन करते हैं, आते बड़े उल्टे सीधे तरीके से, ये सिंपल तरीके से आते नहीं, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनके टीथ लास्ट और दाढ़ जो है मोलार वो सही तरीके से आता है, वरना ये उल्टे सीधे आया करते हैं और पेन बहुत करते हैं। आप आई थिंक आप में से किसी को भी हुआ भी होगा, नहीं होता खैर कोई बात नहीं, होना हो। सो गाइज आज की वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी बड़ी हो रही है वीडियो। सो नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, टाटा बाय बाय, लव यू।